नमस्कार, बिस्तक के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकर और हर शाम की तरह आज फिर हमारे साथ जुड़े हैं अंशुमान तिवारी जी, जो इंडिया टुडे हिंदी के संपादक हैं। और आज के इस वीडियो में चर्चा जो होगी वो होगी लोन की रीस्ट्रक्चरिंग पर। जी हां, बैंकों ने कोविड से प्रभावित हुए तमाम कर्जदारों को ये मौका दिया है कि वो अपने लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करा लें। ये दबाव में दिया गया मौका है, क्योंकि ये सबको पता है कि कोविड के बाद चीजें भी एकदम नहीं सुधरी हैं, चाहे नौकरी के लेवल पर देखिए या व्यवसाय के लेवल पर, व्यापार के लेवल पर। कहीं भी लोगों की आय अभी प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंची है जिनकी प्रभावित हुई थी। ऐसे में लोग अपनी ईएमआई देंगे कैसे मॉरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद? ये सवाल न केवल बैंकों के सामने, ग्राहकों के सामने या तमाम इंडस्ट्री के सामने था कि आखिर होगा क्या। इस पर दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आई, एक मैशी कमेटी की और एक कामत कमेटी की। क्या था उन रिपोर्ट्स में, बैंक किस तैयारी के साथ आए हैं? अब तक हमारे पास देश के दो सबसे बड़े बैंक, एक निजी क्षेत्र एचडीएफसी बैंक और एक पीएसयू मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्लान आया है। उस प्लान के क्या फायदे नुकसान है, इन तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले शुरुआत हम करना चाहेंगे महर्षि कमेटी की उस रिपोर्ट से जो पूरे ओवरऑल एक सिनेरियो पर अपना वक्तव्य रखती है। क्या खास है उस रिपोर्ट में? महर्षि कमेटी की रिपोर्ट अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट शायद सरकार के पास जाने वाली है, पर माना जा रहा है कि महर्षि की कमेटी की रिपोर्ट इस पूरे मुद्दे का दूसरा हिस्सा कवर करती है। कोविड के बाद जो फंसे हुए लोन है उनको लेकर बहुत तरीके की असमंजस है और कई तरीके के आयाम उसमें खुले हुए हैं जिन्हें हमें क्रमशः समझना पड़ेगा। पहली चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बैंकों ने मॉरिटोरियम दिया दो किश्तों में, तीन तीन महीने महीने की दो किश्तों में मॉरिटोरियम दिया। उस मॉरिटोरियम के बाद बैंकों के पास ये परिस्थिति नहीं थी कि वो इसके आगे बढ़ा सके, मॉरिटोरियम बढ़ा सके या कर्ज का भुगतान टाल सके। तो आरबीआई ने सलाह दी कि बैंकों को लोन रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। उस लोन रिस्ट्रक्चरिंग के तरीके के लिए आरबीआई ने केवी कामत की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। केवी कामत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कामत कमेटी ने बताया कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग के पैमाने क्या होंगे। यानी कि अगर आप या हम सामान्य होम लोन धारक या कार लोन धारक हैं और हम कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं तो हमें किस शर्त पर बैंक कर्ज के भुगतान से छूट देगा दो साल तक के लिए। और जो कमर्शियल बारोअर हैं, कंपनियां हैं, ट्रेडर हैं, कारोबार हैं, इसका उन्होंने पैमाना तय किया। और वो पैमाने थे कि पांच बड़े रेशियो उन्होंने बताए थे। एक बताया था कि अगर वो कंपनी है तो उसकी इक्विटी और कर्ज का अनुपात क्या है, उसका उसके मुनाफे में कर्ज का अनुपात क्या है, उसका पिछला डेट सर्विस का रिकॉर्ड कैसा है, उसका का एवरेज डेट सर्विस कवरेज कैसा है। ये वो पैमाने जिसके आधार पर बैंक दरअसल ये जांच सकता है कि वो कंपनी कर्ज चुकाने की स्थिति में होगी कि नहीं होगी आगे। लगभग यही स्थिति छोटे करदाताओं के रिटेल करदाताओं के साथ भी लागू होगी, क्योंकि उनके भी डेट सर्विस रिकॉर्ड और बाकी चीजें देखी जाएंगी। एक ही आयाम हुआ। तीसरा आयाम इसमें जुड़ा जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में अपीलें की गई थी कि मॉरिटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, यानी जो ब्याज आप नहीं चुका, जो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं उसमें ब्याज पर जो ब्याज लगता है उसकी माफी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल दिया, रिजर्व बैंक ने शिकायत की, कहा कि बैंकिंग के कामों में दखल नहीं देना चाहिए, बैंक नहीं चलेंगे, डिपॉजिटर्स को नुकसान होगा। मामला सरकार के पास पहुंचा। इस बीच में कंपनियां भी वहां पहुंच गई, पावर कंपनियां भी पहुंच गए, रियल एस्टेट सेक्टर भी पहुंच गया और उसने कहा कि अगर एक्ट ऑफ गॉड सरकार के लिए है तो हमारे लिए भी होना चाहिए। अगर सरकार को रेवेन्यू नहीं आ रहा तो हमारा काम धंधा बंद है, हम भी कर्ज नहीं चुका सकते। यह सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में बीते हफ्तों में था, उसको उससे केंद्र सरकार को दिया गया। केंद्र सरकार ने महर्षि कमेटी जो कि पुराने सीएजी रहे उनके के नेतृत्व में कमेटी बनाई, जिस कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, जो ये डिसाइड करेगी कि आने वाले समय में ये जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का इशू है ये कैसे हैंडल किया जाए। तो अभी हम शुभम तीन चीजों के बीच में खड़े हुए हैं। एक चीज, लोन की रिस्ट्रक्चरिंग होगी, ये फैसला हो चुका है। लोन की रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी इसका पैमाना तय हो चुका है। लोन की रिस्ट्रक्चरिंग जो बैंक करेंगे उसमें दो प्रमुख बैंकों ने, एचडीएफसी और एसबीआई ने अपनी स्कीम जारी कर दी। जो हमें नहीं पता है कि जो मॉरिटोरियम के दौरान ब्याज दर लगी थी और उस ब्याज पर जो ब्याज लगा था वो लगेगा कि नहीं लगेगा, उसमें माफी मिलेगी, इसके बारे में हमें पता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट इस मंथ के एंड में जब इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा तो अंतिम फैसला क्या देगा ये हमें पता नहीं। ये वस्तु स्थिति है कर्जों की। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब हम आते हैं सीधे रिस्ट्रक्चरिंग पर। कि अगर मान लीजिए कि एक आम आदमी या एक कंपनी किसी बैंक में पहुंचती है और उसके पास अगर कोई होम लोन चल रहा है और उसकी आय प्रभावित हुई इस कोविड के दौरान और उसने अपने मॉरेटोरियम का फायदा उठा लिया, अब वो रिस्ट्रक्चर कराने पहुंचता है,
क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या स्कीम में ऐसा मोटा है, मोटी मोटी बात है जो एक व्यक्ति को, एक कर्जदार को ये समझनी चाहिए कि उसके लिए फायदे का सौदा है या नुकसान का? और एक छोटा सवाल ये कि मिल भी पाएगी क्या ये रिस्ट्रक्चरिंग सर? दो तरीके के कर्जदार हैं जो इस स्कीम के दायरे में होंगे। एक तो कमर्शियल बारोअर हैं, जो कंपनियां हैं, उद्योग हैं, ट्रेडर हैं, उनके लिए नियम और शर्तें अलग हैं। और जो जो रिटेल लोन लेने वाले लोग हैं, जिनके पास हाउसिंग लोन है, कार का लोन है, पर्सनल लोन है, ये लोन लेने वाले हैं, इनके लिए अलग अलग पैमाने तय किए हैं। कामत कमेटी ने एक ओवरऑल पूरा स्वरूप एक ढांचा बताया है कि लोन की रिस्ट्रक्चरिंग कैसे की जाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉरिटोरियम से रिस्ट्रक्चरिंग कैसे फर्क है। मॉरिटोरियम ब्लैंकेट था, मॉरिटोरियम सबको दिया गया था, जो लोग जो भी चाहे वो बैंक के पास जा सकते थे और बगैर किसी शर्त के वो एक SMS भेजकर भी कह सकते थे कि हम 3 महीने लोन की किस्त नहीं चुकाएंगे या 6 महीने लोन की किस्त नहीं चुकाएंगे, और बैंक उस ऑप्शन को स्वीकार कर सकता था। रिस्ट्रक्चरिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक तय करेगा कि वो आपको लोन के भुगतान से छूट दे या ना दे, और बिल्कुल ये समझना जरूरी है। तो यहाँ बैंक के हाथ में अधिकार आ गया कि वो आपकी की कर्ज पात्रता, आपके काम धंधे की स्थिति, भविष्य में आपके घाटे से उबरने की संभावना, इन सारी चीजों को आधार मानकर जो फार्मूला कामत कमेटी ने बनाया है उसके आधार पर उसकी पैमाइश करेगा और ये डिसाइड करेगा कि वो आपको लोन में रिस्ट्रक्चरिंग दे कि ना दे, पहली चीज। दूसरी चीज महत्वपूर्ण ये है कि ये इंडिविजुअल बारोअर के बेस पर तय किया जाएगा, या ऐसा ब्लैंकेट सिस्टम नहीं होगा। आपको हो सकता है लोन की रिस्ट्रक्चरिंग मिल जाए और दूसरे पर्सन को ना मिले, क्योंकि उसकी परिस्थितियां ऐसी ना हो जो उसे मिल सके। तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि बैंक इसमें एक प्रोसेसिंग फीस भी लगाएंगे, यानी लोन रिस्ट्रक्चरिंग करना बैंक के हाथ में है तो वो ऐसा करने की एक फीस भी लगाएंगे, और उसके बाद वो तय करेंगे कि आपसे किस तरीके से ब्याज वसूला जाए। ये 3 चीजें, इनके आधार पर बहुत से लोग ऐसे होंगे, शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा लेने में दिक्कत हो, क्योंकि इसके अंदर जो छिपे हुए प्रावधान है वो ऐसे हैं जिनमें जिनका फायदा कम लोगों को मिल पाएगा। अगर हम आर्थिक तौर पर देखें सर कि जेब पर अगर हम ये रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा लेते हैं तो ये जेब पर कितना भारी पड़ेगा कर्ज, एक चीज ये, और दूसरी चीज जो आपने कहा कि इसके अंदर के जो छिपे हुए प्रावधान है, तो वो ऐसे कौन से 2 या 3 बड़े प्रावधान है जो एक आम आदमी की पहुंच से इस रिस्ट्रक्चरिंग को दूर कर देंगे? देखिए, छोटा कारोबारी या मझोला कारोबारी या ट्रेडर या जो आम व्यक्ति है, उसे सबसे पहले बैंक के सामने अपना पूरा हिसाब किताब रखकर ये बताना होगा कि उसका कामकाज क्या ऐसा है कि वो लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बाद भविष्य में वो इस कर्ज को चुका सकता है। 2 साल तक अर्थव्यवस्था में अगर बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं होगी तो कितने लोग ये गारंटी दे पाएंगे बैंक को इस बात की कि वो इस कर्ज को समय पर चुका देंगे? ये महत्वपूर्ण पैमाना है। बैंक इस बात पर देखेगा कि आपकी तनख्वाह वापस लौटेगी क्या, आपका काम दोबारा शुरू होगा क्या, कोविड से पहले अगर आप प्रतिदिन 10 से 12 हजार रुपए अपनी दुकान से या अपने कारोबार से कमाते थे तो क्या इतना ही पैसा आप आने वाले 6 महीनों में, साल भर में कमा पाएंगे क्या? पहली चीज तो ये उसे कन्विंस करना होगा बैंक को। तो ये बैंक और बारोअर के बीच की बात होगी। बैंक अगर आपके कागज दस्तावेज देखकर इस बात से कन्विंस होता है तो वह तय करेगा। दूसरी चीज, बैंक ये भी मांगेगा कि आप किसी से गारंटी लेकर आइए, कोई आपके बदले गारंटी दे और आपको ये बताए कि आप इस लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा मॉर्गेज के लिए भी बोल सकता है सर, मॉर्गेज की भी बात यहां आती है। आपके पास अगर कोई अगर आपका कोई संपत्ति होता आप उसको मॉर्गेज करिए, तो आप जिससे जो लोन लेने वाले अगर उनके पास संपत्ति नहीं, उनकी एक संपत्ति तो पहले से मॉर्गेज की हुई है जिसके बदले उनको लोन मिला हुआ है, तो दूसरी संपत्ति मॉर्गेज के लिए कहां से लाएंगे? और किसी की गारंटी कैसे होगी, वो कैसे गारंटी देगा जब उसको पता नहीं कि बिजनेस आगे रिवाइव होगा? अगर आप मैक्रो पिक्चर देखो शुभम, अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रेक्शन है। इस साल भारत की आर्थिक विकास दर 0 से 10% नीचे रहने वाली है। जो हमारे पास आंकड़े मिल रहे हैं, जो आ रहे हैं, उस हिसाब से कोविड का असर खत्म होते होते 2021 बीत सकता है जो परिस्थिति बन रही है। तो कौन सी कंपनी, कौन सा कारोबारी, कौन सा व्यक्ति कह सकता है कि उसकी तनख्वाह वापस लौट आएगी, उसका कारोबार उस गति से आ जाएगा कि वो ब्याज वो इस रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा ले सके? तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि रिस्ट्रक्चरिंग का जो हिसाब किताब है वो समझना जरूरी है। और जो हिसाब किताब कुछ अलग अलग आकलनों के साथ हमारे पास आ रहा है, उस हिसाब से जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास 10 लाख रुपए का लोन है और वो अपने लोन का भुगतान 6 महीने के लिए टालता है, मान लीजिए रिस्ट्रक्चरिंग कराता है, तो उसे कम से कम 33,000 रुपए के आसपास, 33,221 रुपए के आसपास का अतिरिक्त ब्याज भरना पड़ेगा। हमें माने कि आदर्श परिस्थिति में कोई आदमी कम से कम 2 साल की रिस्ट्रक्चरिंग कराएगा, क्योंकि 2 साल तक धंधा वापस लौटने की या रिवाइव करने की उम्मीद नहीं है, उसे 1,35,104
रुपए के आसपास का अतिरिक्त इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये paisabazaar.com ने अपनी एनालिसिस की। और अगर आपका लोन 20 लाख रुपए है तो 2 साल के लिए आपकी देनदारी 2,70,000 रुपए अतिरिक्त बढ़ सकती है और 66,000 रुपए 6 महीने के लिए देनदारी होगी। ये सर कितने समय और कितने परसेंट पे हमें आकलन दिया गया है? 10 लाख का लोन, 10 साल का समय और 10% का ब्याज। मतलब ये हाँ समझते हैं, अगर आपके पास 10 लाख रुपए का लोन है, उसकी 10 साल की टेन्योर है और उस पर 10% ब्याज लग रहा है, और अगर आप उसे रिस्ट्रक्चर कराते हैं 6 महीने 1 साल या 2 साल के लिए, तो उसका ये कैलकुलेशन है। अब इससे आप समझने की कोशिश करिए कि जो एडिशनल कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट की रिस्ट्रक्चरिंग का किसी के ऊपर आएगा, वो भी इस मंदी के धंधे में जबकि अर्थव्यवस्थाएं माइनस में है, तो क्या वो इस स्थिति में है कि वो 10% रिटर्न ला सके, 12% रिटर्न उसके कारोबार में आ पाएगा हर साल जितना वो ब्याज दर पे करने वाला है। अब इसमें बहुत सारे, इसके बाद भी, ये सब होने के बाद भी बैंक का डिस्क्रिएशन, बैंक का विवेक इसको निर्धारित करेगा कि क्या आपका कैश फ्लो है फ्यूचर में, क्या आपका, अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कंट्रक्शन के कारण 15 से 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जीडीपी पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, यानी वो गतिविधियां परमानेंट बंद हो जाएंगी, रेस्टोरेंट है, ट्रेवल के सर्विसेज हैं, स्कूल्स हैं। अब ये बिजनेस दोबारा कैसे रिवाइव होंगे, ये कन्विंस करना बैंक को, बैंक को इस बात के लिए आश्वस्त करना कि नहीं बच्चे स्कूल में आना शुरू करेंगे, रेस्टोरेंट में लोग आना शुरू करेंगे, ये बैंक कैसे आश्वस्त होगा, ये समझना मुश्किल है। इसलिए शायद रिस्ट्रक्चरिंग के जब नतीजे हमारे सामने आएंगे अगले 6-7 महीने में, तो मैं दिखाई देगा कि कम ही लोग इसका लाभ उठा पाए। अब आखिरी सवाल सर इस सिक्के के दूसरे पहलू का, हमने अब तक बात की कर्जदार की, हमने बात की बिजनेसेस की, बैंकों की अगर स्थिति में देखें सर, बैंकों के नजरिए से देखें, बैंकों की बैलेंस शीट की रोशनी में अगर हम इस चीज को समझना चाहें, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि आप इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मत लीजिए, या मान लीजिए कि रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कुछ लोग आगे आते हैं, बैंकों पर इसका किस तरीके से असर पड़ेगा? बैंक तो अपनी मुसीबत को आगे बढ़ा रहे हैं, ये कुछ इस कर्ज, हमेशा मैं कहते हैं ना कि कर्ज जो है वो रक्त बीज की तरह होता है, इस खाते से उठा के दूसरे खाते में डाल दीजिए तो खत्म नहीं होता, बैंक इस मुसीबत को धीमे धीमे आगे बढ़ा रहे हैं। ये किस तरीके का टिकिंग टाइम बम है, पहले बैंकों ने उसे 3 महीने टाला मॉरिटोरियम देके, फिर 3 महीने और टाला मॉरिटोरियम देके, अब इसी कर्ज को वो 6 महीने टालना चाहते हैं। हालांकि जितने लोगों ने मॉरिटोरियम लिया था शुभम, उतने लोग शायद रिस्ट्रक्चरिंग नहीं ले पाएंगे, शर्तें ऐसी हैं, तो मुझे लगता है मॉरिटोरियम के अंदर अगर 75% अकाउंट थे छोटे बैंकों के और पब्लिक सेक्टर बैंकों के, 30-35% 40% अकाउंट मॉरिटोरियम के तहत थे, तो रिस्ट्रक्चरिंग में उतने अकाउंट नहीं रह जाएंगे, रिस्ट्रक्चरिंग में उतने अकाउंट कम हो जाएंगे क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग सबको नहीं मिलेगी। तो बैंक ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जो रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर पाएंगे उनसे उनकी वसूली हो जाएगी। एक अलग बहस का विषय है कि जो आदमी पिछले 6 महीने में या साल भर, पिछले 6 महीने के कामकाज बंद होने के कारण कर्ज नहीं चुका पाया, अगर उसको रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा नहीं मिला तो डिफॉल्ट हो जाएगा, वो बैंक का कर्ज कैसे देगा तो फिर वो लिटिगेशन शुरू होगा। अगर मॉर्गेज एसेट है या गिरवी रखी हुई संपत्ति है तो उसमें बैंक कब्जा करेगा। ये दूसरी लड़ाई है जो बाजार में शुरू होने वाली है जब रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम खत्म हो जाएगी और ये पता चलेगा कि कितने लोगों को इसका फायदा मिला कि नहीं मिला। बैंकों की मुसीबत ये है कि बैंक फंसे हुए कर्ज को लगातार टाल रहे हैं, और इसी यही वजह है कि RBI ने अपनी एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसने सजेस्ट किया था कि 2 साल बाद, कोविड के बाद, बैंकों के फंसे हुए कर्ज रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ चुके होंगे, करीब NPA 14% के आसपास होंगे। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो कर्जदारों को जिसका इसका जितना फायदा मिलेगा उससे ज्यादा डिपॉजिटर्स को नुकसान होगा। हमारे पास एक ताजा आंकड़ा है कि भारत में करीब 87% लोग बैंकों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से केवल 15% लोग लोन लेते हैं, ये मास्टर कार्ड्स सर्विस का आंकड़ा है। तो अगर लोन लेने वालों का पोर्टफोलियो बैंक में जमा रखने वालों का पोर्टफोलियो से बहुत छोटा होता है, और बैंक जितनी रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, कर्ज का भुगतान जितना टालेंगे, ब्याज दर में जितनी देरी करेंगे, उसके बदले 2 काम होंगे। पहला काम तो ये कि बैंकों को अपने मुनाफे और पूंजी से निकालकर प्रोविजनिंग करनी होगी, यानी जितना लोन डूब सकता है संभावित रूप से उतना पैसा निकालकर अलग रखना होगा अपनी पूंजी से, जिससे बैंक की पूंजी टूटेगी। और दूसरा काम यह होगा कि उन्हें अपने कर्ज के ऊपर ब्याज दरें घटानी होंगी, उनका नुकसान ज्यादा होगा और उसकी कीमत डिपॉजिटर चुकाएगा जो लगातार पिछले 2-3 साल से जिसके जमा पर, चाहे वो FD हो या वो उसकी बाकी बैंक जमा हो, उस पर जो जमा दर घट रही है वो गिरेगी। तो डिपॉजिटर्स के लिए इस पूरी प्रक्रिया में नुकसान है, बैंकर्स के लिए इस पूरी प्रक्रिया में नुकसान है, बोरोअर्स को कितना इसका फायदा मिलेगा ये हमें तब पता चलेगा जब रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के नतीजे सार्वजनिक होंगे, अलग अलग बैंक बताएंगे कि उनके कितने लोन अकाउंट्स वस्तुतः रिस्ट्रक्चरिंग में गए और कितने अकाउंट्स पर रिकवरी प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। और अंतिम बात,
हमें अभी सुप्रीम को एक हिस्सा भी अंधेरा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा महीने के अंत में, वो इस मंथ के एंड में क्या फैसला देगा, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि ब्याज के भुगतान का, बैंकों को नुकसान का क्या स्वरूप बनने वाला है। बिल्कुल, तो यानी कि अगर आपने कर्ज ले रखा है तो आपको डिस्ट्रक्शन का फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बैंक आपकी आर्थिक सेहत और कोविड के बाद आपकी रिकवरी के कितने चांसेस हैं इस पर निर्भर करेगी। और दूसरी बात जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपने कर्ज ले रखा हो या ना ले रखा हो, लेकिन अगर आपकी जमा बैंकों में है तो उस पर भी पूरे प्रोसेस की आंच आ सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ नए विषय पर चर्चा, तब तक के लिए शुक्रिया।